सो गाइज़, काफ़ी टाइम के बाद हम बात करने वाले हैं ऑनर ब्रांड के बारे में। आप सबको पता है कि हुआवे का सब ब्रांड था ऑनर, और जब से हुआवे पे बैन लगा दिया गया है तब से इन स्मार्टफोन्स में गूगल प्ले सर्विस देखने को नहीं मिल रही थी। गूगल प्ले सर्विस नहीं होने की वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया जहां इनके स्मार्टफोन्स अब देखने को नहीं मिलते। चाहे हम बात करें हुआवे या फिर ऑनर की, इनके स्मार्टफोन्स का हार्डवेयर कम्प्लीटली परफेक्ट होता है और बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जब से इन पे बैन लगा दिया गया था तब से गूगल प्ले सर्विस यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, और इसके वजह से कस्टमर्स इन स्मार्टफोन्स को परचेस नहीं करते थे। लेकिन अब ऑनर एक इंडिपेंडेंट ब्रांड हो चुका है क्योंकि हुआवे ने इसको सेल कर दी है। अब हुआवे से अलग होने के बाद ऑनर अपना सबसे पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है, और ये एक प्रीमियम स्मार्टफोन होगा जिसमें बहुत ही कमाल का स्पेक्स देखने को मिलेंगे। इस स्मार्टफोन का नाम होने वाला है V40, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी स्मार्टफोन की पूरी स्पेक्स, क्या ये गूगल प्ले सर्विस के साथ आएगा और कब है इसकी लॉन्च डेट। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल, एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो 6.72 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी जो दो साइड से कर्व्ड होगी। इसी के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और HDR10 का सपोर्ट मिल जाएगा, तो डिस्प्ले वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा काम किया है ऑनर ने। नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ MediaTek Dimensity 1000 प्लस चिपसेट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ 8GB और 12GB के रैम वेरिएंट्स आएंगे और 128GB और 256GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। तो परफॉर्मेंस को फ्लैगशिप ग्रेड का नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये चिपसेट Snapdragon 888 और 765G के बीच का परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। अब कैमराज की बात करें तो यहाँ ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहाँ प्राइमरी लेंस होगा 50 मेगापिक्सल का, और इसी के साथ 8 मेगापिक्सल का लेंस अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए और 2 मेगापिक्सल लेंस दिया गया है माइक्रो शॉट्स के लिए। इसके अलावा लेंसर ऑटो फोकस और OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं फ्रंट में डुअल कैमरा दिया गया है, जहां प्राइमरी लेंस है 32 मेगापिक्सल का और 16 मेगापिक्सल लेंस अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स के लिए दिए गए हैं। तो कैमरास के मामले में डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया काम किया गया है, यहां काफ़ी अच्छे फोटोज़ और वीडियोस शूट हो जाएंगे। अब फाइनली अगर बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी दी गई है, जो बहुत से कस्टमर्स को कम लग सकती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ 66 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसी के साथ 55 वाट के वायरलेस चार्जिंग और 5 वाट के रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अच्छी खबर ये है कि Honor V40 पहला स्मार्टफोन होगा जो Google Play सर्विस के साथ में आएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आप बताइए आप क्या सोचते हैं Honor V40 के बारे में। इसके अलावा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ नाइस डे।